सो वेलकम गाइज माई न्यू ब्लॉग। तो अभी कमलेश का कमरा शिफ्ट हो जाएंगे, अभी नहीं हमने कमरा ढूंढ लिया बढ़िया सा, और मुझे उम्मीद से गुरुजी भी मिल गए हैं अपने। गुरुजी को मैं दिखाऊंगा नहीं, कभी दिखाऊंगा, उनकी इजाज़त होगी तभी दिखा पाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो गाइज अभी मैं मार्केट की ओर जाता हूँ, क्योंकि मार्केट देखो आप लोग कैसा है। ठीक, वैसे हमने कमरा भी सही जगह पर लिया, जा रहा है जगदम्बा रोड है, वैसे ये भूटिया पड़ा हुआ है। दो बिस्कुट, अगरबत्ती, दूध, अभी तो बंद है, इसको अंडे में मिलाई खाएंगे। और गाइस ये मैंने दे दिया कमलेश भाई को, कमलेश भाई आप दूध गर्म करेंगे, सुधे खोल लेते हैं। और हमने बिस्कुट लाया था, बिस्कुट भाई चाय बनाना, मुझे कुछ है नहीं, मर्जी ले गया भाई। तूने साबुन क्यों रखा इधर पागल है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, किनारे में कमी रहो ने। ये बड़ी अच्छी बात कही है गाइज, यहाँ पर अभी शिव जी का मूर्ति है नहीं, तो हम जब जैसे हम कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर मूर्ति ले लेंगे, बढ़िया सा दिया गया और सबकी फोटोज बढ़िया ले लेंगे। ठीक है, सुबह से हमने दूध डाल दिया है और इसको डालेंगे, इसको चढ़ाते हैं इधर पर और लगाते हैं, क्या है रेड मार्जिन। सो गाइस गरीबी काफी ज्यादा छा रही है इसे कमरे में, क्योंकि गरीबी से भरपूर कमरा। काफी जान भी फील कर लाइट जलाते हुए यहाँ पे। तो गाइस हमने चीनी पीकर चीनी को डाल दी, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे तक कुछ करना है। ठीक है, मिलते हैं। और गाइस ये दूध पकने की उम्मीद में थोड़ी थोड़ी, देखते हैं कब तक पकता है। और यहाँ पर आने वाला है ऊपर, जोरदार ताली ऊपर आ चुके हैं, आपके लिए स्वागत है आपका। ये आ जाएगा, ये किन करने के लिए हमारे, तेरा तो बढ़िया टाइल है टाइल आदमी खोजेगा तेरे पे सब कुछ फायदे में। तुझे मतलब भगवान ने तुझे कहा गया कमरा लेना है तुमने, तूने ये सब खरीद के रखना जरूरी है क्यों? मैं नहीं लिया था कमरा, तो मैं दोस्त का था, मैं उसके यहाँ रहने आया था, फिर उसके बाद में लिया गया कुछ मैंने, अभी जाने वाला हूँ ऐसे। गाइस ये बन गया इसका, ये क्या बनाया रे तूने, ये क्या बनाया? मैंने तो खा दिया गाइस, मैं दूध पी रहा हूँ बिस्कुट के साथ। ठीक, नाश्ता वास्ता खा के टन हो गया बढ़िया सा, अब खाना ना थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है आगे, फिर पता करते हैं। और गाइस एक चीज़ यहाँ की पानी ना वाकई में मतलब ब्लीचिंग वाला पानी आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने 30 रुपये का पानी बोतल खरीद के लाना पड़ रहा है। अभी तक का मैं ये दो बोतल में यहाँ खरीद लिया है और एक सामने पड़ा है, यही दिक्कत है अभी सर, बाकी सब तो ठीक है। मिलते हैं फिर आगे। एक बार गूगल में देख लेते हैं आज की किस किस का नाम गूगल क्या बताता है, क्या मतलब उसके बारे में क्या बताता है। ठीक है, नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू न्यूज 18,
How Pushpa star Rashmika Mandanna became the national crush of India. ये तो रश्मिका मंदाना के बारे में बता रहा है। अरे हिट सबसे हिट वही रही होगी ना ये दो फिर ईयर के हिसाब से हर सिफर ईयर के हिसाब से हटा रश्मिका मंदाना ठीक है बढ़िया है लड़की। तो गाइज अब देखते हैं दूसरा नेशनल क्रश ऑफ इंडिया मेल। भारत के राष्ट्रीय क्रशों में से एक सिद्धार्थ निगम है। मंजुल खट्टर एक प्रसिद्ध टिकटॉक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उनके पास एक बड़ी इंस्टाग्राम फॉलोइंग और युवा भारतीय लड़कियों के बीच एक बड़ा क्रश भी है। उनका जन्म हरियाणा शहर गुरुग्राम में हुआ था। कमलेश का नाम क्या है देखते हैं मतलब कमलेश का अर्थ क्या होता है। कमलेश नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह व्यवहार करने लगता है। कमलेश नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है अभी मेरा नाम क्षितिज है देखता हूँ क्षितिज के बारे में कुछ बताओ। क्षितिज की परिभाषा अनियमितताओं और अवरोधों को अनदेखा करते हुए किसी विशेष बिंदु से दिखाई देने वाली पृथ्वी की सतह के हिस्से की गोलाकार सीमा। आकाशीय गोले का एक बड़ा वृत्त है जिसका तल पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है और एक स्थान के स्पष्ट क्षितिज के समानांतर है। गजब यार गाइस थोड़ा भी पालल बना लेता हूँ और चलते हैं खाना ना खाने मुझे बजे तक पूरा क्योंकि हमारा चावल वावल का तो खत्म हो गया क्योंकि अब महीना लास्ट था तो आगे कर लेता रोड में जाए खाना ना खाते ठीक है। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है मुझे और इसको भी लग रहा है चल भाई चलते एक बार खाना मिलता है खाना बढ़िया था। और यहाँ का बारिश का कोई टाइम नहीं है कोई वो नहीं है। हाँ ये बारिश आ गई दिख रहा है तू दिख रहा होगा भी दिखेगा बारिश आ गई तक बारिश आ रही है। गाइस अभी बैठ रहे हैं भाई साहब के होटल में गांधी जी के खाते हैं चिकन बात बन रहा है ये खाते क्या कर चिकन बात बोलते हैं मेरे को यार पुराने पुराने वीडियोज़ याद आ जाते हैं मतलब पुरानी बातें याद आ जाती है यार मैं कैसे जाते थे उधर पे पुया लोगों के साथ पुया लोगों को पढ़ा और देख रहे थे मैं वीडियो तो गाइस मिलते फिर आगे खाना बनता है तो आप चिकन चावल चिकन चावल बोला था बगल पीछे वाले का मुँह क्या चमका दिखा आपने देखो तो मेरे से क्या खुश हो रहा है चिकन चावल बुला दे क्यों मैं खा दे रहा तू आया पहली बार खाने फाइनली हमारा खाना आ गया खाना देखो खाना आ गया देखो भाई यार चिकन मंडी नहीं मिलता है खाते तो बात करते ठीक है। सो गाइस अभी बढ़िया सा हम खाना ना खा के मतलब पेट वेट बढ़िया भर गया है अच्छे तरीके से सब कुछ कर लिया लेकिन अब ये काम करना ही है बालों का थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा। बाल तो मेरे वैसे भी यार अजीब लगते हैं लेकिन ठीक ही है करना पड़ेगा क्यों सर दांतों में चिकन फंसते हुए इनके काफ़ी दिक्कत ही चिकन हो रही है यार, कुछ और एक बार अभी कमरे के लिए जा रहे हैं क्योंकि कमरा अभी शायद कोई दो तीन बंदे और देखने आ रखे हैं तो शायद हमें जो कमरा चाहिए पहले कन्फर्म करना पड़ेगा नहीं तो हमें जो पसंद आएगा वाला कमरा कोई और ले लेगा तो ठीक है गाइज एक बार चलते हैं कमरा वाला लेते हैं बराबर ठीक है। तो गाइज अभी देखो तो मतलब थोड़ा सा हल्की हल्की बरसात आ गई है इधर पे और मतलब दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो रही है अब चलते हैं फटाफट कमरा शिफ्ट कर दे क्यों कल और एक बार क्या करना है 10,000 रुपये देना उधर ठीक है गाइज चलते फिर हम सीधा कहता चलो मिलते हैं आ जाए देखते हैं बराबर बाल बना रहे हैं अभी भी यार कैसे होगा देना दिक्कत ही दिक्कत है मार्केट में पहुँच गए हैं अब आगे सीधा वहाँ जाना जगदम्बर रोड कैसा लग रहा भाई सही योर एक्साइटमेंट ये कॉलेज गाइस हमने पैसे निकाल दिए हैं और ये अभी डालना है एटीएम कवर के अंदर हमने पैसे निकाल लिए अभी बढ़िया करके ठीक तो चलते हैं भाई सर अंधेरा हो रहा थोड़ा थोड़ा चलते फटाफट ये उजाला हो गया करते काम अभी तो फिलहाल ये रोड ख़राब हो रही है अब कल परसों के टाइम पर अगर यहाँ डामर लगता है तो गाइस हमें कमरा जो हमारा कमरा है वो ये अमृत विचार के जहाँ पर जनसेवा केंद्र है इसकी इधर साइड है लेफ्ट साइड मैं कमरे में आया था तो एक्चुअली गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यार वीडियो बंदे की हो गया बोलते ना क्योंकि गाइस मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था
इसलिए मैं ज़्यादा क्लिप ले नहीं पाया। तो ये कमरा शिफ्टिंग वाला ब्लॉग है, मतलब शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग को देख रहे हैं, अभी पैकिंग आगे कर रहा है, ये तैयारी यारी हो ही गई है, कलर टोटल कुल मिला के ये कमरा छोड़ते हैं आप ताकि हम वो सारे कमरे शिफ्ट हो जाए। तो गाइज सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मेरे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। तो गाइज इसके बाद आएगा मेरा कमरा शिफ्टिंग वाला वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक मिलते हैं अगले ब्लॉग में।